नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। घर परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए वास्तु शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं। कहा जाता है कि इन उपायों को अपनाने से आर्थिक तंगी का भी सामना नहीं करना पड़ता है और धन दौलत में वृद्धि भी होती है। यह हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 5 तस्वीरों के बारे में जिन्हें घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं इन तस्वीर को घर में सही दिशा में लगाने से पॉजिटिविटी बनी रहती है। घर में बरकत नहीं हो पा रही है या फिर फालतू की चीज़ों में पैसा खर्च होए जा रहा है, तो ऐसे में वास्तु भगवान की प्रतिमा घर पर लगा सकते हैं। कहा जाता है कि इस तस्वीर को घर में लगाने से धन की कभी कमी नहीं होती। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में तैरती हुई मछलियों की तस्वीर लगाना भी बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस तस्वीर को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, धन धान्य में वृद्धि होगी। घर में फिश एक्वेरियम रखना भी बेहद शुभ माना जाता है। वास्तु के नज़रिए से ये बेहद ही लाभदायक होता है, इसे मुख्य द्वार के बाई ओर ही लगाना चाहिए। घर में उगते हुए सूर्य, बड़े बड़े पहाड़ और पानी की तस्वीरें लगाना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आने के साथ साथ परिवार में खुशहाली का माहौल भी बना रहता है। ऐसी तस्वीरों को घर में लगाने से आत्मबल और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। घर में बहते हुए पानी की तस्वीर लगाना भी बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसी तस्वीर को घर में लगाने से हर काम बनने लगते हैं, घर के सदस्यों का भाग्य प्रबल होता है। समुद्र की तस्वीर भी घर में लगाना शुभ माना जाता है। आखिरी में बता दें कि अगर घर का कार्यस्थल में या हमेशा परेशानियां बनी रहती है तो मेमना यानी भीड़ की तस्वीर लगानी चाहिए। ऐसा करने से भाग्य में वृद्धि होने लगती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।